अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो लेक्चर के आगाज में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन देखते हैं। स्टूडेंट्स, एक चार्ज के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी पहली दफ़ा जो बात की थी वो माइकल फैराडे ने बात की, या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो माइकल फैराडे ने ये बताया कि एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज है उसके बाहर एक फील्ड है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये जो कंसेप्ट है जो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया स्टूडेंट्स, उसको फील्ड थ्योरी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी भी कह सकते हो। फील्ड थ्योरी शॉर्ट है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो माइकल फैराडे ने फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। माइकल फैराडे ने कहा कि भाई कोई भी चार्ज ले लो आप, जैसे कि चार्ज क्यू है, तो चार्ज क्यू अपने सराउंडिंग में जो स्पेस है उसमें एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये चार्ज क्यू है, लिहाजा इससे प्रोड्यूस होने वाला फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो एक चार्ज क्यू अपने सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब किसी और चार्ज क्यू नॉट को उसके फील्ड में लेकर आएंगे, तो वो जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं क्यू नॉट, वो चार्ज क्यू के फील्ड में एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, या हम कह सकते हैं कि चार्ज क्यू उसका फील्ड चार्ज क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। जैसे होता है ना कि एक शेर जो है जंगल में एक ही होता है, जब उसके इलाके में कोई दूसरा शेर पहुंचता है तो वो उसके ऊपर अपनी रिपल्सिव फोर्स लगाता है। ऐसे ही यूँ समझ लें कि एक चार्ज क्यू है, वो अपनी स्पेस, अपनी बाउंड्री जो है आसपास राउंडिंग, उसमें काफ़ी हद तक एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब डिपेंडिंग अपॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उसका फील्ड जो है उसी हिसाब से स्पेस में जो है वो स्प्रेड करता है, फैलता है। तो इस चार्ज क्यू के बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब कोई और चार्ज क्यू नॉट जो है, अगर इस फील्ड के अंदर हम ले के आएंगे, तो ये जो चार्ज क्यू है स्टूडेंट्स, ये इस क्यू नॉट के ऊपर फोर्स जो है वो एग्जर्ट करेगा। ये फोर्स रिपल्जन की भी हो सकती है, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्यू और क्यू नॉट चार्जेस हैं कौन से, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, या अपोजिटली चार्ज हैं। तो ये है कंसेप्ट स्टूडेंट्स फील्ड थ्योरी का, और ये माइकल फैराडे ने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया। इसी बात से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम डिफाइन कर सकते हैं। हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये रीजन है किसके अराउंड, एक चार्ज के अराउंड, एक चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन है, जहाँ पे कि अगर एक हम टेस्ट चार्ज लेके आएँ, इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज, अभी बताता हूँ टेस्ट चार्ज के क्या फीचर्स होते हैं। एक चार्ज क्यू है, उसकी वसीनिटी में, उसके सराउंडिंग में एक रीजन, अगर उस रीजन में एक और चार्ज को लेकर आए, तो वो जो दूसरा चार्ज इसको लेके आ रहे हैं, वो पहले से मौजूद चार्ज की वजह से एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करेगा, और उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम देंगे, और वो जो रीजन है दैट रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड वो रीजन है जहाँ तक वो चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर। स्टूडेंट्स, अब आपको बताता हूँ कि ये टेस्ट चार्ज क्या चीज़ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट चार्ज का एक कंसेप्ट जो है वो सीखा था। तो अब दोनों में, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, सिमिलर हैं, और डिफरेंस भी मौजूद है। तो सिमिलरिटीज़ की पहले बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज दोनों का मैस न होने के बराबर, निगलिजिबल, दोनों की जो शेप है वो निगलिजिबल है, यानी डायमेंशंस नहीं है, निगलिजिबल है। और अगर डिफरेंस की बात की जाए, तो जो पॉइंट चार्ज है उसका चार्ज आप इग्नोर नहीं कर सकते, पॉइंट चार्ज का चार्ज आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज का जो चार्ज है वो इतना कम होता है कि वो किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता। टेस्ट चार्ज का शेप जो है निगलिजिबल, उसका मैस निगलिजिबल, लेकिन टेस्ट चार्ज का जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज के ऊपर
मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो होता तो है लेकिन वो इतना कम है वो किसी दूसरे चार्ज के फील्ड को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, आगे लेक्चर में भी एक जगह फिर ये आएगा कि टेस्ट चार्ज जो है ये एक ऐसा चार्ज है जो किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। इसका मास निग्लिजिबल, शेप निग्लिजिबल, डायमेंशंस निग्लिजिबल। तो ये हो गया स्टूडेंट्स टेस्ट चार्ज। आई होप कि यहाँ तक आपको ये इंट्रोडक्शन में जो बात है फील्ड थ्योरी की समझ आ गई होगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई कंसेप्ट मिल गया होगा, उसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि एक चार्ज के अराउंड जो रीजन है जहाँ तक वो चार्ज का चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, जिस रीजन तक वो रीजन उस चार्ज के आसपास वो रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको अब हमने डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो दो बातें इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन थी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे हमने ज़्यादा पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ये मेन जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही से पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस मैग्नीट्यूड का या किस डायरेक्शन का है। तो यूँ समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही मालूम होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। अभी बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या चीज़ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैक्टर फील्ड है, यानी स्टूडेंट्स इसकी स्ट्रेंथ भी होगी, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी स्पेस में किसी भी पॉइंट के ऊपर। एक चार्ज के आसपास जो स्पेस है, जो रीजन है, उस स्पेस की बात हो रही है, नहीं है कि ऊपर आसमानों में कहीं जितना मर्जी ये चले जाएं। टेक्निकली तो आप वहाँ तक बात कर सकते हैं लेकिन वो इन्फिनिटी में फिर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक चार्ज क्यू है, तो उस चार्ज क्यू की विसिनिटी में, सराउंडिंग में जो स्पेस है उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। अब हमें एक ऐसी क्वांटिटी की ज़रूरत है जो कि इस फील्ड की स्ट्रेंथ को भी डिस्क्राइब करे और इसकी डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करे, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड वो क्वांटिटी, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी डिस्क्राइब करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच एक्सप्लेन्स, विच डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी स्ट्रेंथ भी बताएगी, डायरेक्शन भी बताएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर एरो हेड जो है वो लगा, और इस एरो हेड ई, कैपिटल ई, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एक और अंदाज से हम इसको डिफाइन करें जो थोड़ा टेक्निकल अंदाज है, तो उस हिसाब से देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज क्यू का बना हुआ, उसमें आप एक और चार्ज क्यू नॉट लेके आते हो तो क्या होगा, जो पहले से मौजूद चार्ज क्यू है वो बाद में आने वाले चार्ज क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो कितनी फोर्स लगा रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इट इज़ द फोर्स, कौन सी फोर्स जो लग रही है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो हम लेके आए हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, और प्लस वन यूनिट पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, यूनिट पॉजिटिव का मतलब है कि पर प्लस वन, प्लस टू है तो उसको हम यूनिट पॉजिटिव तो नहीं कह सकते, प्लस थ्री को भी यूनिट पॉजिटिव नहीं कह सकते, यूनिट का मतलब ही होता है वन। तो यूनिट पॉजिटिव इसका मतलब है कि प्लस वन, एक टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर चार्ज प्लस वन है, उसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब लेके आए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी। वो जो जितनी फोर्स लग रही है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे उस फील्ड में, उस पॉइंट पे, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी दो डेफिनेशंस होंगी, ऊपर थोड़ी सी जनरल अंदाज में है वो भी चलेगी और नीचे थोड़ा सा टेक्निकल अंदाज में है ये भी चलेगी। दोनों एक साथ लिखें, दोनों को इस्तेमाल करें, दोनों में से एक इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेशन के मार्क्स मिल जाएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो ऊपर जो हमने इसको डिफाइन किया है
टेक्निकल अंदाज वो डेफिनेशन जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म से निकली है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स पर है तो डिवीजन में लेके आना है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो नीचे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है? फोर्स, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ऊपर आ जाएगा फोर्स, फिर पर डिवाइडिंग लाइन आ गई, फिर नीचे क्या होगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आएगी। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर आप एरो हेड लगा सकते हो, दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, इसका मैथमेटिकल फार्मूला। अब यहाँ से इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को हम निकालना चाहें तो क्यू नॉट को दूसरी तरफ ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई हो गया। यहाँ पे एफ जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अट्रैक्शन की या रिपल्जन की, क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जबकि ई जो है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स जैसे बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को एक्सप्लेन करती है। तो फिर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि वेक्टर है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पास भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो चूंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो अब बारी बारी हमने उन दोनों की बात करनी है। पहले मैग्नीट्यूड की डिटर्मिनेशन देखेंगे, फिर हम बात करेंगे उसकी डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन। तो अगर आपने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर आना पड़ेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब देखो बच्चों, एक चार्ज क्यू है और उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड नज़र तो नहीं आता, कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये जो पॉइंट मार्क किया है यहाँ पे इस चार्ज क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? तो ये पता करना हो अगर, तो इसके लिए हम एक और चार्ज को लेकर आएंगे, और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं वो चार्ज क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको उस पॉइंट के ऊपर लेकर आते हैं हम। तो अगर उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी फोर्स लग जाती है, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट होती है अट्रैक्शन या रिपल्जन की, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्जन या अट्रैक्शन की क्यू नॉट पे एग्जर्ट नहीं होती, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर तो क्यू नॉट के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग गई रिपल्जन या अट्रैक्शन की, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर हम उसका मैग्नीट्यूड भी डिटर्मिन कर सकते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी फाइंड कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं उसके स्ट्रेंथ की, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे और शॉर्ट में फील्ड स्ट्रेंथ भी आप कह सकते हो। स्टूडेंट्स चूंकि फील्ड स्ट्रेंथ ये एक मैग्नीट्यूड है, तो ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसी फोर्स का, ये जो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लग रही है, इसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप डेफिनेशन में देखिएगा यही अल्फाज आपको मिलेंगे कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट के ऊपर फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है, किस चीज़ का मैग्नीट्यूड है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है। कौन सी फोर्स? जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर लग रही है, कहाँ? जब उसको उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट पे हम लेके आए, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगी, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नोन एज फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस्ड बाय, तो इससे घबराना नहीं है। अब एक्सप्रेस्ड बाय, एक्सप्रेस्ड ऑन भी आप लिख सकते हो या एक्सप्रेस्ड बाय भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये म्यूचुअल फोर्स है। अगर क्यू नॉट के ऊपर फोर्स लगाता है ना, तो क्यू नॉट क्यू के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो चूंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होता है, तो एक्सप्रेस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज
या एक्सप्रेस ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही चलेंगे। तो आपकी मर्जी है कौन सा आप एक्सप्रेशन लेके चलते हो। तो बात मुख्तसर ये है स्टूडेंट्स कि एक फील्ड है क्यू, एक चार्ज है क्यू, उसके सराउंडिंग में एक फील्ड है। तो फील्ड में किसी पॉइंट के ऊपर हम एक टेस्ट चार्ज, टेस्ट यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी है। अब उस फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होगा वो उस फील्ड की स्ट्रेंथ कहलाएगी। अगर क्यू नॉट के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगती है तो हम कहेंगे इस क्यू का फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर क्यू नॉट के ऊपर कम फोर्स लगती है तो हम कहेंगे कि चार्ज क्यू का जो फील्ड है वो वीक है, उसकी स्ट्रेंथ कम है। अब अगर ऊपर हमने उस जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज हम बात कर रहे थे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये ऊपर तो हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, तो जब हम इसकी फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो फिर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर हम उसको वेक्टर यानी एरो हेड हटा के लिख देंगे। अब जो एफ है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है क्योंकि उसके ऊपर एरो हेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो एफ है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज क्यू। तो ये हो गई इसकी फील्ड स्ट्रेंथ। अब फील्ड डायरेक्शन की बात करें तो बच्चे जब हम चार्ज क्यू जो हमारे पास मौजूद है उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज क्यू नॉट को जब प्लेस करेंगे तो क्यू नॉट जो है ना सिर्फ उसके ऊपर फोर्स लगेगी बल्कि क्यू नॉट जो है उस फोर्स के नतीजे में मूव करेगा। अब वो फोर्स या तो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी। अगर अट्रैक्शन की है तो क्यू नॉट टुवर्ड्स क्यू मूव करेगा, अगर रिपल्शन की है तो क्यू नॉट जो है वो अवे फ्रॉम द क्यू मूव करेगा। लेकिन क्यू नॉट ने मूव करना है या एटलीस्ट क्यू नॉट ने मूव करने की कोशिश करनी है। तो अब हम ये नोट करेंगे कि क्यू नॉट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है या मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यू नॉट जिस डायरेक्शन में मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो आप नोट्स में देखें यही बात आपको मिलेगी। जो डायरेक्शन है फील्ड की वो हमें कैसे पता चलती है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है वही डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप कि ये बात भी आपको आसानी से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके यूनिट की तरफ। तो SI यूनिट जो है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का या इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो है स्टूडेंट्स न्यूटन पर कूलम, क्योंकि फार्मूला देखे ना ऊपर जो हमने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो ऊपर फोर्स है और नीचे जो वो चार्ज है, तो फोर्स का यूनिट बच्चे होता है न्यूटन और जो चार्ज है उसका SI यूनिट है कूलम। तो SI यूनिट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या बना, न्यूटन पर कूलम। तो यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई मिली कि SI यूनिट जो है इसका दैट इज़ न्यूटन पर कूलम। अब इसी न्यूटन पर कूलम को हम वोल्ट पर मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और एक और छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो के अंदर मैं ये कन्वर्जन आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं बताने वाला, अलग एक छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको याद रख लें कि न्यूटन पर कूलम SI यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इसके लिए एक फार्मूला हम एक्सटेंडेड फार्मूला, एक तो ऊपर हमने निकाला ना कि E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, आप उसी फार्मूले को आगे एक्सटेंड करना चाहें कोलम्स लॉ को इस्तेमाल करते हुए, तो कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, जो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए हमें दो चार्जेस को कंसिडर करना होगा। एक चार्ज है स्टूडेंट्स चार्ज क्यू और इस चार्ज क्यू के बाहर आप देख सकते हैं ये जो एरोज लगी हुई हैं ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसकी स्ट्रेंथ यहाँ ई से शो की गई। अब इस फील्ड में हम एक और चार्ज को क्यू नॉट को लेकर आएंगे जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे बीच में प्लस लिखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है ये किस तरह का होना चाहिए, इंट्रो में ही मैं आपको बता चुका कि इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज की ये प्रॉपर्टी है, ये खूबी है, ये फीचर है
करैक्टरिस्टिक है कि टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका मास नहीं है, शेप निगलिजिबल है, मास निगलिजिबल है, बाकी डायमेंशंस निगलिजिबल है। उस चार्ज इसके ऊपर इतना कम है, ये चार्ज की एक ऐसी अमाउंट है कि ये दूसरे चार्ज के फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता, डिस्टॉर्ट नहीं करता। तो ऐसे टेस्ट चार्ज को, क्यू नॉट को, हम फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा कि क्यू की वजह से क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगी और उस फोर्स को हम कोलम्स लॉ से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चार्जेस के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ये हमें कोलम्स लॉ से मिल जाती है। तो कोलम्स लॉ की जो फोर्स वाला फार्मूला है उसको लिखेंगे, एफ इक्वल्स टू के इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर होता है, तो यहाँ क्यू वन और क्यू टू तो नहीं है, तो यहाँ पे है क्यू और क्यू नॉट, तो लिहाजा न्यूमिनेटर में आपको मिल रहा है क्यू और क्यू नॉट, और साथ में जो आर है, आर कैप ये यूनिट वेक्टर है जो कि एफ़ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब स्टूडेंट्स, ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकाला, ई इज़ इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, तो हमने क्या करना है कि ये एफ की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देनी है, एफ कोलम्स लॉ वाली जो फार्मूला है वो यहाँ पे एफ हटा के कोलम्स लॉ की राइट हैंड साइड पुट कर दें। उसके बाद गौर करें स्टूडेंट्स, तो ऊपर भी क्यू नॉट और नीचे भी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से कैंसिल हो गया, तो के उसी तरह से आ जाएगा, ऊपर क्यू बचा वो भी उसी तरह से, नीचे क्यू नॉट तो कैंसिल, और ऊपर वाली फ्रैक्शन का आर स्क्वेयर बच गया वो उसी तरह से, और आर जो यूनिट वेक्टर आर कैप है वो साथ उसी तरह से, तो ये हमारे पास ई इक्वल्स टू के इंटू क्यू ओवर आर स्क्वेयर आर कैप, ये फाइनल फार्मूला है, एक्सटेंडेड फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इफेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट्स फार्मूला जो है उसी में से आपको ये फैक्टर्स मिलेंगे, और बाकी जो क्वांटिटीज होती हैं उनमें भी ऐसे ही है कि फार्मूले में से ही हमें फैक्टर्स जो हैं वो मिल जाते हैं और उन्हीं फार्मूला से ही रिलेशनशिप मिल जाता है। मसलन जो भी वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में होगा वो हमेशा इन्वर्सली रिलेशनशिप शो करेगा, न्यूमिनेटर वाला जो फैक्टर होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप शो करता है। यहाँ पर देखें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टूडेंट्स चार्ज क्यू के। अब ये चार्ज क्यू कौन सा है, क्या ये टेस्ट चार्ज है? ना, टेस्ट चार्ज तो क्यू नॉट से इंडिकेट किया था, ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाले का जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतना ज़्यादा होगी, यानी अगर ये प्लस वन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर ये प्लस टेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर ये प्लस फिफ्टी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज क्यू के मैग्नीट्यूड के, और चार्ज क्यू कौन सा, जो कि सोर्स ऑफ चार्ज है, चार्ज क्यू सोर्स ऑफ चार्ज है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना कि टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, फार्मूला में बताता है ये क्यू जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट फैक्टर देखें, तो नीचे डिनोमिनेटर में आपको आर स्क्वेयर मिल रहा है, आर स्क्वेयर क्या है, आर स्क्वेयर डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड द टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर, और यहाँ आर का स्क्वेयर है और आर स्क्वेयर डिनोमिनेटर में मौजूद है लिहाजा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, तो जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे आप टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज क्यू से दूर ले जाते जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे अलग कर दिया कि ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द आर, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कम से कम होती जाएगी स्क्वेयर के, आर के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट। कोई क्वेश्चन क्यूरी होगी तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे, वीडियो को लाइक कर देना है, फ्रेंड्स वालों के साथ शेयर करना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।